नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। 3 दिवसीय सर्जन एसोसिएशन ऑफ इंडिया बिहार चैप्टर के वर्कशॉप का हुआ शुभारंभ, सर्जरी का हुआ लाइव प्रसारण। उन्नीस नवंबर से आयोजित अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर डीएम प्रणब कुमार ने की बैठक, 35 राज्य के 600 खिलाड़ी टूर्नामेंट में करेंगे शिरकत। अपराध की घटना को अंजाम देने पहुंचे 3 अपराधी को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार, बांका एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। पीरपैंती के रानी दियारा में कटाव का कहर जारी, कई घर हुआ जमींदोज, ग्रामीणों में दहशत। और फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रही सेविका गिरफ्तार, 2 वर्ष के बच्चे के साथ भेजा गया जेल। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शुक्रवार को 3 दिवसीय वार्षिकोन का शुभारंभ हुआ। एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया के बिहार ब्रांच के चिकित्सकों ने सेमिनार के पहले दिन लेप्रोस्कोपी विधि से कई मरीजों का सफल ऑपरेशन किया, जिसका लाइव प्रसारण के माध्यम से डॉक्टरों को नई तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। आयोजन सचिव डॉक्टर बीके जायसवाल ने कहा कि 13 वर्ष के बाद यह कार्यक्रम भागलपुर में हो रहा है। कार्यक्रम में राज्य स्तर के कई दिग्गज सर्जन मौजूद थे। सेमिनार के अध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय कुमार चौधरी ने कहा कि दूसरे दिन प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें अगला सम्मेलन कहां होगा इस पर विचार किया जाएगा। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ नेशनल अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर सुभाष खन्ना, डॉक्टर राजेश खुल्लर एवं डॉक्टर ज्योत्सना कुलकर्णी ने किया। आज 15 तारीख को वर्कशॉप हो रहे हैं, जिसमें पूरे देश से अलग अलग शहर से हमारे सर्जन आए हैं, जैसे डॉक्टर सरफराज बेग कलकत्ता से, डॉक्टर ज्योत्सना कुलकर्णी पुणे से और डॉक्टर राजेश खुल्लर दिल्ली से। ये आए हुए हैं हमारे यहाँ ऑपरेटिव वर्कशॉप करने के लिए। इसमें यहाँ के जितने भागलपुर के पेशेंट्स हैं, जिसमें हर्निया जो कि दूरबीन विधि से किया जा रहा है जिसके ऑपरेशन, और इसमें पीठ की नली में जो पत्थर होते हैं उसका ऑपरेशन किया जा रहा है, इसमें हर्निया जिसे एक बार ऑपरेशन हुआ उसके बाद जो हर्निया हुआ है इंसिजनल हर्निया, उसका ऑपरेशन हो रहा है आज। भागलपुर समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की। इस दौरान 19 नवंबर से आयोजित होने वाले अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारी पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। 10 दिवसीय टूर्नामेंट में 35 राज्य के 600 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। बैठक में डीएम ने जिला खेल पदाधिकारी को 19 नवंबर से पूर्व सारी तैयारी पूरी कर लेने का निर्देश दिया। बैठक में डीडीसी सुनील कुमार, प्रमोद कुमार मौजूद थे। यह राज्य स्तरीय अंडर 17 क्रिकेट बालकों का प्रतियोगिता है। यह 19 तारीख से शुरू होकर 28 तारीख को इसका फाइनल होगा और इसमें 38 जिला की टीम के लगभग 610 खिलाड़ी भाग लेंगे। अपराध की घटना को अंजाम देने जा रहे 3 शातिर बदमाशों को बांका पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। बांका एसपी अरविंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है। एसपी ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि कार पर सवार 3 अपराधी जंगली इलाकों से किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, जिसके बाद बांका थाना अध्यक्ष राजेश कुमार झा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर कार से 3 अपराधियों को धर दबोचा। तलाशी के दौरान पकड़े गए अपराधी के पास से 1 पिस्टल और 4 गोली बरामद हुआ है। एसपी ने कहा कि भैरव सिंह, पवन यादव और अवीश यादव को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पवन यादव और भैरव सिंह पर बांका थाना में कई मामले पूर्व में दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। बांका थाना क्षेत्र में सूचना मिली कि जो पूर्व के बहुत ही कुख्यात अपराधी जो अभी क्षेत्र में आया हुआ है, कोई अपराधी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, इसी घटना को अपराधी के विरुद्ध छापेमारी बांका थाना अध्यक्ष नेतृत्व में की गई। उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसमें एक पूर्व का लगभग आधा दर्जन कांडों में आरोपपत्रित भैरव सिंह था, वो डकैती और बमबाजी के केस में आरोपपत्रित रहा है। उसके साथ एक और अभियुक्त पवन यादव है, वो भी पहले से आरोपपत्रित है, उसके विरुद्ध भी बमबाजी और अपहरण का केस प्रतिवेदित रहा है, उसमें आरोपपत्रित है। और एक अभियुक्त और अमीश यादव था,
इन लोगों के पास से सर्च करने पर भैरव सिंह के पास से एक पिस्टल मैगजीन में लोडेड 4 गोली लोडेड पाया गया है। इन सभी की गिरफ्तारी की गई है। भागलपुर जिले के पीरपैंती रानी दियारा में गंगा नदी का भीषण कटाव लगातार तबाही मचा रहा है। कटाव की तेज धार में दियारा के स्कूल और मकान कटकर गंगा में समा चुके हैं। कटाव के कारण ग्रामीण काफी भयभीत है और खुले आसमान के नीचे शरण लेने को विवश है। कटाव की मार झेल रहे कई ग्रामीण अपने मकान को खुद तोड़ रहे हैं और घरों से जरूरी सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर पलायन को विवश है। दियारा में कई घर कटाव की मुहाने पर पहुंच चुका है, जो कभी भी जमींदोज हो सकता है। ग्रामीण विपिन पासवान एवं वीरेंद्र कुमार ने कहा कि कटाव में गांव का आधा हिस्सा समा चुका है, लेकिन प्रशासन द्वारा ना ही बचाव कार्य शुरू किया गया है और ना ही राहत कैंप लगाया गया है। ग्रामीणों ने पुनर्वास की व्यवस्था होने तक राहत कैंप चलाने की मांग जिला प्रशासन से की है। अमरपुर के आंगनबाड़ी केंद्र पर फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी कर रही सेविका इंदु कुमारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल वैजूडी पंचायत में कुलहरिया गांव के वार्ड 6 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे सेविका की नौकरी करने की शिकायत उसी गांव की विनीता देवी ने की थी, जिसके बाद जाँच के दौरान सेविका इंदु देवी का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। वहीं बांका कोर्ट से वारंट जारी होते ही अमरपुर पुलिस ने महिला को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान आरोपी महिला ने अपने 2 वर्षीय पुत्र को अपने साथ जेल में रखने की बात कही, जिसके बाद थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी ने वरीय अधिकारियों से बात कर बच्चे को महिला के साथ ले जाने का आदेश दिया। नाथनगर स्थित मौजी लाल झा कॉलेज में शुक्रवार को छात्र और कॉलेज प्रशासन आपस में भिड़ गए। इस दौरान कॉलेज कर्मियों ने छात्रों की पिटाई कर दी, जिसके बाद छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। दरअसल रजिस्ट्रेशन शुल्क से ज्यादा पैसे लेने का छात्रों ने विरोध किया, तो कॉलेज कर्मियों ने छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद छात्रों ने इसकी शिकायत कॉलेज प्राचार्य से की, जिसके बाद प्राचार्य ने हंगामा कर रहे छात्रों को कमरे में बंद कर दिया और घटना की सूचना नाथनगर थाना को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे छात्रों को सख्त हिदायत देते हुए आगे से ऐसी घटना नहीं करने की बात कही। प्राचार्य ने कहा कि यह कॉलेज वित्त रहित है और सभी छात्रों से मेंटेनेंस शुल्क अलग से लिया जाता है, जिसके कारण छात्र हंगामा करने लगा। आई एम रजिस्ट्रेशन कराने, टोटल छात्र और छात्राएं भी, तो उसमें से जो है ना फॉर्म का ऐसे पहले पूछा, दाम पूछ लेते हैं, तो बोला 700। पेपर में दिखाया कि 320 रुपया दिया गया है, तो 700 रुपया, 900 रुपया, 1100 रुपया किस चीज का लिया जा रहा है? तो बोलता है कि अपना क्रिया श्राद्ध कराने के लिए ले रहे हैं। तो बोलता है क्या लड़का लोग, क्या हम ही लोग करा देंगे? बोलता है तुम लोग से नया होगा। उसके बाद जो है ना लड़का को घींच के अंदर ले जाके मारबो किया। वो बोला क्या जिससे लिखवाना है लिखवा लो, DM वीएम सबको बोल दो कि हम पैसा ले रहे ज़्यादा। कल एक दो लड़का बोल के गया था कि आदमी के साथ आते हैं, और उसके बाद आज मंजीत झा के गाइडलाइन में कुछ लड़के बोल रहे थे कि आप ज़्यादा फीस ले रहे हैं। मैंने कहा कि मैं आपको रसीद दे रहा हूँ, आपको जहाँ शिकायत करना है करिए। हम लोगों का ये 40 बरस से महाविद्यालय चल रहा है, सरकार द्वारा जो निर्धारित शुल्क है वही हम लेते हैं। फिर भी उसकाने पर वो लड़के तोड़ करो, फोड़ करो, मार करो, उतारू हो गए। जब वो उतारू हो गए तो जो लड़का सबसे ज़्यादा हल्ला कर रहा था उसको हमारे 2 स्टाफ ने पकड़ लिया और उसको हम अपने चैम्बर में बैठा लिए, पुलिस को खबर किए, पुलिस आई और तब उस लड़के ने माफ़ी मांगा, तब उसको हम लोग छोड़े हैं, तब यहाँ से गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क TV। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524
6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड से शराब की बड़ी खेप लेकर मधेपुरा जा रहे तस्कर को 47 पेटी विदेशी शराब के साथ उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान कंटेनर से 1164 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है। उत्पाद अधीक्षक उमा शंकर सिंह ने बताया कि कंटेनर से शराब लाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद उत्पाद इंस्पेक्टर के नेतृत्व में लोधीपुर बाईपास वंशी टिक्कर के समीप चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें रोहतास जिला निवासी तस्कर राजेश गिरी को कंटेनर के साथ धर दबोचा। अधीक्षक ने कहा कि कंटेनर के पीछे कुरकुरे और बिस्किट रखा गया था, जबकि आगे की तरफ बने बॉक्स में छिपा कर रखे गए शराब को बरामद किया गया। जानकारी में सूचना मिली थी कि जगदीशपुर के रोड से एक गाड़ी जो विदेशी शराब का कंटेनर लेकर के आ रही थी, और ये गाड़ी मधेपुरा साइड के लिए जा रही थी, क्योंकि उस गाड़ी का मधेपुरा नंबर था। तो गुप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन किया गया, और टीम के गठन करने के पश्चात छापेमारी की गई और वाहनों के सघन तलाशी की गई। तलाशी के क्रम में इस वाहन को वंशी टिकर के पास चेक किया गया, और चेक करने के पास इस गाड़ी वाहन से 47 पेटी इंपीरियल ब्लू विदेशी शराब पकड़ाया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में प्रोन्नति की मांग को लेकर विज्ञानी भूख हड़ताल पर बैठ गए। दरअसल बिहार कृषि विश्वविद्यालय में पिछले 13 वर्षों से किसी भी विज्ञानी को प्रमोशन नहीं मिला है। विज्ञानियों का कहना है कि 2010 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, इसके बाद से हम लोगों के कड़ी मेहनत से विश्वविद्यालय निरंतर आगे बढ़ रहा है, साथ ही नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन विज्ञानियों को सहयोग नहीं कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रगतिशील शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर एस दिवाकर ने कहा कि कुलपति प्रमोशन के मुद्दे पर विचार करने के बदले भूख हड़ताल समाप्त करने का दबाव बना रहे हैं। भूख हड़ताल में BAU के सभी अंगीभूत कॉलेज और शोध संस्थानों के शिक्षक मौजूद थे। ये हमारा मांग कैश है, उसको प्रमोशन आप कह सकते हैं। ये 13 साल से लंबित मामला है, और प्रशासन का इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है कराने में बहुत ही नगन कह सकते हैं। यूनिवर्सिटी का सारा काम हो रहा है, टफ काम हो रहा है, लेकिन इस काम के लिए यूनिवर्सिटी के पास उतना तत्परता नहीं दिखा रही है। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित पशुपालन विभाग में टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह ने फीता काटकर किया। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने कहा कि पूरे जिले में FMDCP टीकाकरण शुक्रवार से शुरू हो गया, जो 29 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान डॉक्टर की टीम के द्वारा पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। इस मौके पर क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन डॉक्टर अश्वनी कुमार सिंह, डॉक्टर शंभुनाथ झा, डॉक्टर अनिल कुमार, अनिमेश चंद्र, राहुल कुमार, अनिल कुमार साथ दीपक कुमार मौजूद थे। ये सर, उसका बारे में कुछ बता दीजिए सर। पशु संसाधन विभाग बिहार सरकार पटना के द्वारा 15/11/19 से 29/11 तक सभी जिला में सभी पशुओं का मुख खुरहा रोग के विरुद्ध टीकाकरण हुआ, जिस कार्य को प्रारंभ करने का आज उद्घाटन प्रोग्राम माननीय चेयरमैन श्री टुनटुन शाह के द्वारा यहाँ पर किया गया है। और आज से सभी ब्लॉक में, सभी गांव पंचायत से गांव स्तर तक में पशुओं का टीकाकरण का प्रारंभ हो गया। विक्रमशिला सेतु पर प्रतिदिन लगने वाले जाम को लेकर भागलपुर SSP आशीष भारती ने कहा कि विक्रमशिला पुल के जानवी चौक के समीप TOP बनाया जा रहा है। SSP ने कहा कि सड़क किनारे वाहन पार्क के दौरान क्रेन से वाहन को हटाया जाएगा, जिसको लेकर जिलाधिकारी से बात की जा रही है। SSP ने कहा कि जाम से निजात दिलाने के लिए भागलपुर पुलिस काफी तत्पर है। वहीं नौगछिया में बढ़ते अपराध और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर SSP ने कहा कि अनुसंधान जारी है और जल्द ही फरार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विगत कुछ दिनों से जो विक्रमशिला सेतु है भागलपुर और नौगछिया के बीच में, उस पर ट्रकों का आवागमन काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि जो मोकामा के पास जो पुल है वो ट्रकों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया था, और इसके कारण जो सेतु पे जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी, इसको लेकर के हम लोगों ने एक प्रयास किया है। पहला यह है कि हम लोग जिस तरीके से भागलपुर साइड में विक्रमशिला सेतु POP है, उसी तरीके से नवगछिया के तरफ पुल के इधर
जानवी चौक टीओपी बनाया जा रहा है और जिसमें तीन पदाधिकारी दिए गए हैं और पुलिस कर्मी और वहाँ पे पूर्व से प्रतिनियुक्त है और यह परबत्ता थाना के अधीन कार्य करेगा। तो इस तरीके से यह एक नई व्यवस्था होगी। साथ ही साथ हम लोग इसमें यह प्रयास कर रहे हैं, सभी लोगों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी वाहन सड़क पे या सड़क किनारे नहीं लगा करके रखा जाए। हम लोग डीएम साहब से अनुरोध कर रहे हैं कि एक क्रेन इधर यहाँ पे जानवी चौक पे दिया जाए ताकि इधर कई अभी आते समय भी हम लोगों ने देखा है कि वाहन खराब है और वहाँ पे खड़ा है जिसके कारण जाम लग रहा है, तो उसको हम लोग कर रहे हैं। और साथ में मेरी जो बात हुई है कई लोगों से, उसमें यह जानकारी मिली है कि पटना में जो जेपी सेतु है उसको भी ट्रकों के आवागमन के लिए उसको अगले कुछ दिनों में खोला जाएगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। बांका जिले के प्रतिबंधित घाटों से बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। अवैध खनन की सूचना मिलते ही एएसपी अभियान ओम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बालू घाटों पर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान भदरिया घाट के समीप पुलिस को देखते ही बालू माफिया फरार हो गया। मौके से पुलिस ने बालू लदे चार ट्रैक्टर और एक मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। अमरपुर थाना अध्यक्ष ने कहा कि खनन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब हो कि कुछ दिन पूर्व प्रतिबंधित बालू घाट पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया था। वहीं इस घटना में एसडीपीओ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाल दिवस को लेकर शुक्रवार को घंटाघर स्थित फेरीलैंड स्कूल में दंत चिकित्सक शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर शुभांकर कुमार के द्वारा स्कूली बच्चों को दांत की देखभाल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। दंत चिकित्सक ने कहा कि प्रतिदिन दांतों की दो बार सफाई करना आवश्यक है। वहीं भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से बाल दिवस एवं देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर वारसी एकेडमी स्कूल के बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष शारिक खान ने की। वहीं स्कूल में बच्चों के बीच कई तरह के प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान शारिक खान ने बच्चों को देश के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए योगदान पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। वहीं लाजपत पार्क स्थित रामकृष्ण आश्रम मध्य विद्यालय में कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक एवं छात्रों ने पंडित नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत गणपत राय सलारपुरिया मेमोरियल ट्रॉफी अंतर महाविद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ शुक्रवार को मुरारका कॉलेज मैदान में रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने दीप जलाकर एवं फीता काटकर किया। 26 नवंबर तक चलने वाले टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच बीएन कॉलेज एवं जेपी कॉलेज के बीच खेला गया, जिसमें बीएन कॉलेज की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। बीएन कॉलेज की टीम सभी विकेट खोकर 102 रन बना पाई। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी जेपी कॉलेज की टीम ने चार ओवर शेष रहते ही 3 विकेट से जीत दर्ज कर लिया। बीएन कॉलेज की ओर से आनंद ने 53 बॉल पर 28 रन बनाए, जबकि जेपी कॉलेज के अभिजीत ने 20 बॉल में 2 छक्के की मदद से 23 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जेपी कॉलेज के अभिजीत को मिला। मुरारका कॉलेज के प्राचार्य अमरकांत सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय ने जो हमें मौका दिया है उसे बखूबी निभाया जाएगा। मौके पर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी डॉक्टर अंशु कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार रंजन, प्रेमकांत मिश्रा, ललित नारायण मंडल मौजूद थे। मैच में कमेंट्री की भूमिका राजकुमार राजू ने निभाई, जबकि अंपायर की भूमिका राजेश कुमार एवं अभय कुमार ने निभाई। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्ट्रा ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। 3 दिवसीय सर्जन एसोसिएशन ऑफ इंडिया बिहार चैप्टर के वर्कशॉप का हुआ शुभारंभ, सर्जरी का हुआ लाइव प्रसारण। उन्नीस नवंबर से आयोजित अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर डीएम प्रणब कुमार ने की बैठक, 35 राज्य के 600 खिलाड़ी टूर्नामेंट में करेंगे शिरकत। अपराध की घटना को अंजाम देने पहुंचे 3 अपराधी को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार, बांका एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। पीरपैंती के रानी दियारा में कटाव का कहर जारी, कई घर हुआ जमींदोज, ग्रामीणों में दहशत। और फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रही सेविका गिरफ्तार, 2 वर्ष के बच्चे के साथ भेजा गया जेल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।